सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज का दिन जन्माष्टमी का दिन है, सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामना। और भगवान श्री कृष्ण भगवान सबका भला करें। और आज तो व्रत का दिन है, सभी लोग माताएं सुबह सुबह उठ गई होंगी, बहुत खुशहाली आई होगी घर में, भगवान आ रहे हैं और इंतजार करिएगा। और आज देखिए हमने जो है तैयारी कर रखी है, पंजीरी बना रही हूँ यशोदा मैया के लिए। देखे इसमें मैं पहले जो बादाम काजू मैंने भुने हुए थे, मैं दिखाना भूल गई थी आपको। ये देखिए, ये तो बादाम है और ये मखाने हैं और इसके नीचे काजू है, मैंने भून के पीस लिया है। और अब ये जो है गोंद है, मैंने भून के गोंद को पीस लिया है। मैंने नारियल जो है कद्दूकस कर रखे हैं और छुहारे काट रखे हैं। और इधर जो है ये अजवाइन भून के पीस रखी है। अब इसकी पंजीरी कैसे बनती है हम आपको बताएंगे। और इस डब्बे में मैंने जो है, ये देखिए, इस डब्बे में मैंने घी रखा है, गाय का पेवर घी है, मैंने घर का बना रखा है। और जो है दूध लगा रखा था, तो गाय के दूध से मैंने घी बनाया है। इसको मैंने उन्हें पहले ही दिन से रख रखी थी कि जन्माष्टमी के दिन काम आएगा करके। और आज भगवान जी के लिए मैं पंजीरी, यशोदा मैया जी के लिए पंजीरी बनवा रही हूँ। और मैया जी खाएंगी, आप भी देखिए। अब इसमें हम घी डालेंगे। सबसे पहले ये देखिए, सब पहले से मैंने कूट पीस के रखवा दिया था, अब इसमें घी पड़ रहा है, पंजीरी की तैयारी हो रही है। अब उधर घी डाला है तो इधर हम चीनी पीस ले रहे हैं, क्योंकि चीनी का पाग बनेगा, पंजीरी में चीनी पड़ेगी, इसीलिए हम चीनी पहले इसको मिक्सर में ग्राउंड कर देते हैं। जैसे हम चीनी पीस रहे हैं, सबसे पहले हम छुहारे डालेंगे। छुहारे को हम तल लेंगे पहले। इसमें हम नारियल डाल देंगे, नारियल को भी हम खूब अच्छे से तल लेंगे। खूब अच्छे से तल जाए तो फिर हम और चीज डालेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए नारियल और छुहारे सुनहरे रंग के नारियल होने लग गए हैं, अब ये भून गए हैं। ये काजू बादाम जो भी था, ये मिक्सर था, सब ताल मखाने वगैरह सब इसमें जो मिक्सर करके रख रखे थे, ये हमने इसमें मिला दिया है। ये घी थोड़ा कमी पड़ रही शायद, दोबारा मुझे घी मिलाना पड़ेगा इस पर। पंजीरी बनाने का ये है मतलब कि जैसे हमारी बहनें जब गर्भवती होती है, बालक जन्म देता है, तो उनके घर वाले उनके लिए पंजीरी बनाते हैं, माँ खाती क्या हैं, बताएं। ताकत आ जाए करे। इसी कारण यशोदा मैया जी के लिए भी ये पंजीरी बनाई जा रही है, क्योंकि हमारी यशोदा मैया जी को जो है ताकत आ जाए और बस वो आराम से खाएं, भगवान जी प्रसन्न होंगे। अब हम ये सौंठ है, इस सौंठ को भी मिला देंगे इसी में। कहते हैं सौंठ पंजीरी लड्डू मेरे मायके से आए, सौंठ पंजीरी लड्डू मेरे मायके से आए। अभी गाना बना रखा है इसे, सौंठ पंजीरी लड्डू मेरे मायके से आए हैं। लेकिन ये भगवान का भजन में मिलाया जाएगा, और इसमें जो है जच्चा बच्चा में नहीं मिले, ये भगवान की भजन। देखिए चीनी मिलाई जा रही है, चीनी मिला के मीठा हो जाएगा बढ़िया। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, सवेरी के बेरे सुदामा के तंदुले, सवेरी के बेरे सुदामा के तंदुले, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ये सब अमृत बन जाए मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, जो कोई इस प्रसाद को पावे, जो कोई इस प्रसाद को पावे,
जीवन सफल बनाओ मेरे मोहने, जीवन सफल बनाओ मेरे मोहने, आओ भोग लगाओ मेरे मोहने, आओ भोग लगाओ मेरे मोहना, आओ भोग लगाओ मेरे मोहना, आओ भोग लगाओ मेरे मोहना। बोलो श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले हल्दी डालना भूल गए थे, अब हमने ऊपर से हल्दी को घी में पहले गर्म कर लिया, उसके बाद में हल्दी भी मिला दी है, ताकि हमारी यशोदा मैया की जो शरीर की दर्द है ना, पीड़ा है ना, सब भगवान दूर करें। इसी कारण से मैंने ये हल्दी भी मिला दी है। और आप लोग देखिए, इसी तरह से पंजीरी बनाइए। श्री कृष्णा राधे राधे।